कि मेरे हाथ में अगर एक 2000 रुपए का नोट हो और एक हाथ में 2 रुपए का सिक्का हो और अगर दोनों मेरे हाथ से गिर जाए, मुझे बताइए आवाज कौन करेगा, नोट या सिक्का? ऑफ कोर्स सिक्का, चिल्लर ही आवाज किया करते हैं। जब वैल्यू बढ़ जाती है तो ऐसी आवाजें नहीं होती। दैट मींस आप कनेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जो लोग आपको बार बार नेगेटिव बोलते हैं, कोसते हैं, समझ लीजिएगा वो चिल्लर है, तुम्हें अपना वैल्यू बढ़ाना है। क्रिकेट का खेल चल रहा हो, प्लेयर्स खेल रहे हैं और ऑडियंस चीयर अप कर रही है, चिल्ला रही है, शायद कई बार ताने भी मारती है, सुनाती भी है, आवाज तो करती ही रहती है। कोई भी खेल में आवाज कौन करता है, प्लेयर्स आवाज करते हैं कि ऑडियंस आवाज करती है? ऑफ कोर्स ऑडियंस आवाज करती है। दैट मींस अगर आपके जिंदगी में बहुत लोग आवाज करने लगे तो समझ लीजिएगा आप सच्चे खिलाड़ी हो और वो अभी भी ऑडियंस ही है। एंड जब आपके अंदर ये एटीट्यूड आ जाएगा ना, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो आज मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि दिल की आवाज जरूर सुनो एंड ऑफ कोर्स एक एटीट्यूड अपनाओ जिसे हम कहते हैं नेवर गिव अप। जिंदगी में हार मानो ही नहीं। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने इस एटीट्यूड को अपनाया और अपनी लाइफ को चेंज कर दिया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अब्राहम लिंकन। दोस्तों उनकी जिंदगी से इतना इंस्पिरेशन मिलता है कि जो बंदा गरीबी में जन्म लेता है, इतनी तकलीफें भुगतता है, इतनी हद तक वो डिप्रेशन में चले गए थे कि कुछ समय तो उनके जीवन का ऐसा बीता कि अगर कहीं चाकू छुरियां है तो वो वहां से चले जाते थे, क्योंकि उनको ये डर था कि कभी मैं वो चाकू उठा के अपने आप को मार ना दूं। इस टाइप के डिप्रेशन में चले गए। उसके बाद बिजनेस में फेलियर के बाद जब वो पॉलिटिक्स में आए, वहां पे भी क्या हुआ, कंटिन्यूअसली फेलियर्स, बट फिर भी बंदे ने हार नहीं मानी, प्रयत्न करता गया और एक दिन आता है जब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं और ऐसे प्रेसिडेंट जो आज भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ही वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग प्रेसिडेंट एवर इन USA। ही नेवर गिव अप। तो आप क्यों गिव अप करते हैं? हमारे एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी जिंदगी में से भी बहुत कुछ सीखने जैसी बातें हैं। वो पायलट बनना चाहते थे और वो इंटरव्यू देने के लिए गए थे और जब रिजल्ट आता है, 9 लोग थे, 8 लोग सिलेक्ट हो जाते हैं और वो अकेले बंदे थे जो रिजेक्ट हो जाते हैं। इतना दुख होता है और उदास होकर वो एक कोने में चले जाते हैं और बैठे हैं और वहीं से एक इंसान गुजरते हैं और वो उनको चेहरे से ही देख के कहते हैं कि बेटा तू क्यों इतना उदास है? ये कहते हैं कि मैं क्या करूं, आज मेरा इंटरव्यू था, 8 लोग सिलेक्ट हो गए और मैं अकेला रिजेक्ट हो गया, इससे बुरी बात क्या हो सकती है? तो वो संत बड़े प्यार से कहते कि बेटा शायद तू अभी समझ नहीं पा रहा है, पर शायद हो सकता है ऊपर वाला तुझे उससे भी बेहतरीन कुछ देना चाहता है। यू नेवर गिव अप। ये सलाह उनके मन में बैठ गई और उन्होंने सोचा कि मुझे हार नहीं मानी, उन्हें प्रयत्न करना शुरू कर दिया और बाकी जो हुआ वो तो इतिहास आप जानते ही है। बड़ी घटना घटी जब उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट सुपरसोनिक प्लेन में ट्रैवल किया और जब वो लैंड करते हैं वहां पे ढेर सारे पायलट थे जो उनको सैल्यूट कर रहे थे, उनको सलामी दे रहे थे, उनके पद को जो रिस्पेक्ट देते हैं, और सारे पायलट जब उनको सैल्यूट करते हैं तब उन्हें याद आता है कि अगर उस दिन मैं पायलट बन गया होता तो शायद आज का दिन मुझे नहीं मिलता। दैट मींस उनके अंदर एटीट्यूड था नेवर गिव अप और उसी एटीट्यूड ने उनको कहां से कहां पहुंचाया। और सोचिए दोस्तों, अगर यही एटीट्यूड आप भी अपनाएं तो हम लोग कई बार चीज गलत ना हो जाए, मुझसे गलती ना हो जाए, इस डर से भी बहुत कुछ नहीं करते। बट याद रखिए, गलती वही करते हैं जो कुछ करते हैं।